आज आप लोग बताएंगे सैमसंग A73 5G, सैमसंग A73 5G जो कि क्वालकॉम CPU है, उसको FRP को अनलॉक करके दिखाएंगे, अनलॉक टूल के माध्यम से दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या करना, अनलॉक टूल को ओपन कर लेना होगा। जैसे ही ओपन कर लीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उसके बाद एक EDL केबल की जरूरत होती है। EDL केबल आप अपना YouTube सर्च मारो कैसे बनता है वो भी बता देगा, फिर भी मैं भी बताऊँगा आपको EDL केबल कैसे बनता है। चलिए EDL केबल बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ से एक केबल लेंगे, केबल क्या करेंगे ना काट देंगे, उसमें थोड़ा सा इमेज के माध्यम से थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। यहाँ से चलिए इमेज के माध्यम से दिखा रहा हूँ। एक ब्लैक वायर और एक ग्रीन वायर है, ब्लैक वायर को वहाँ पे छिलके जंपर मार देंगे और ग्रीन वायर को छिलके जंपर मार देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों को एक स्विच के माध्यम से जोड़ देंगे, ब्लैक और ग्रीन को काट के स्विच के माध्यम से मैंने जोड़ के ऑलरेडी रखा है। उसके बाद क्या करना, मोबाइल को ऑफ कर देना होगा। चलिए ऐसे मैं क्या करता हूँ, मोबाइल को ऑफ कर देता हूँ, मोबाइल के यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद क्या करना, स्विच को दबा करके और मोबाइल से कनेक्ट करना होगा। जैसे स्विच को प्रेस किया और डाटा केबल इनपुट कर देंगे और वैल्यूम डाउन को 15 सेकंड या 10 सेकंड तक प्रेस करते रहना होगा। निकाल दिया, फिर से इनपुट कर दिया और यहाँ से स्विच को प्रेस करके और डाटा केबल इनपुट कर दिया और माइनस बटन यानी वैल्यूम डाउन बटन को 15 सेकंड तक दबा के रखना है। दबाते रहना है, उसको लगातार दबाते रहना है। जैसे ही दबाते रहिएगा आपका EDL पोर्ट बना लेगा। देखिए यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप पर देखिए EDL, देखिए EDL पोर्ट बना लिया यहाँ पर। देखिए मैं बता रहा हूँ EDL पोर्ट बना लिया। पोर्ट जैसे ही बना के आपका स्विच को छोड़ देना है और फिर से वहीं डाटा केबल लगा देना है, क्योंकि स्विच डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, A73 लिखेंगे आप, सोचे 73 भी लिखेंगे तो आ जाएगा सैमसंग A73 5G। वो जो ऊपर आ गया उस पर क्लिक करेंगे A73 5G और उसके FRP पर क्लिक कर देंगे, इरेज FRP, और थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। जैसे वेट कीजिएगा थोड़ा सा आपका यहाँ पे टाइम ले सकता है, आपका FRP 100% अनलॉक हो जाएगा, वो भी EDL केबल के माध्यम से सैमसंग A73 5G। अगर सैमसंग का कोई मॉडल हो जिसमें EDL केबल सपोर्ट हो उसमें इस तरीके से अपना FRP अनलॉक कर सकते हैं। देख थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिए, आपका FRP 100% डाउन हो जाएगा सैमसंग A73 5G जो कि बिल्कुल लेटेस्ट बाइनरी के साथ है। अगर EDL केबल आप लोग से नहीं बन रहा है तो मैं मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाता है। देखिए मेरा FRP ओके हो चुका है, वो भी 100% FRP। चलिए इसको सेटअप करके दिखाते हैं आप लोगों को, मोबाइल को यहाँ से ऑफ था ऑन कर लेंगे। ऑन कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ से EDL केबल बनाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, ब्लैक वायर और ग्रीन वायर को एक साथ किसी भी स्विच के साथ आप जोड़ दीजिएगा। जैसे ही जोड़िएगा उसको क्या करना है, स्विच को दबा करके फिर कंप्यूटर से और मोबाइल से दोनों को कनेक्ट कीजिए और वैल्यूम डाउन को लगातार आपको प्रेस करते रहना होगा 15 सेकंड तक। ऑटोमेटिक वो क्वालकॉम पोर्ट बना लेगा। जैसे ही क्वालकॉम पोर्ट बनाएगा आपको क्या करना है, फिर डाटा केबल निकाल करके फिर से इनपुट कर देना है। जैसे ही इनपुट करेंगे तो आपको क्या करना है, स्विच का जो कनेक्टिविटी होगा ख़त्म होगा और EDL केबल पोर्ट होगा। आने तो आपको EDL केबल अगर मार्केट में बना बनाया हुआ मिलता है तो फिर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप A73 5G है, क्या करते हैं इसमें सिम जो लगा हुआ है उसको यहाँ से निकाल देंगे और उसके बाद सेटअप कर लेंगे, कि बिकॉज सिम लगा तो टाइम लग सकते हैं यहाँ पे ना। चलिए स्किप करेंगे, देखिए मेरा FRP 100% डन हो चुका है, डन हो चुका है, बिल्कुल सेटअप कर लेंगे। चलिए फॉलो करके स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके उसको FRP को अनलॉक कर लेते हैं। यानी सेटअप लेटर कर देंगे यहाँ पे। चलिए स्किप करते हैं यहाँ पे और मेरा फाइनली FRP डन हो चुका है। सैमसंग A73 5G। थैंक यू सो मच।